देश में अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट में इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उस दौरान लोगों की पीड़ा की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि ये दिन उन सभी लोगों के योगदान को स्मरण कराएगा जिन्होंने आपातकाल का दर्द झेला है। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के योगदान को याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का असहनीय दर्द झेला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस अवसर पर कहा कि इमरजेंसी के दौरान जैसा हुआ अब दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लेकर यह कहने की कोशिश की है कि अब कभी भी जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर किया था, सारे मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया था, अब कभी भी ऐसा दोबारा ना हो पाए। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।